दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा। दो हादसे में घायल लोगों को मिलने शाहपुर अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री जीएस बाली ने जहां स्थानीय लोगों का कुशलक्षेम जाना, वहीं फौरी राहत के तौर पर 5,000 की मदद घायलों को दी। वहीं उनके इलाज के लिए सिटी स्कैन और एक्सरे का खर्च उठाने की बात भी कही। दूसरी ओर 5 साल की बच्ची जिसे पीजीआई रेफर किया गया है, इसके इलाज का खर्च उठाने की भी बात जीएस बाली ने कही। आपको बता दें कि बहो में हुए लैंडस्लाइड हादसों में 5 लोगों को जीवित बचा लिया गया था, जिन्हें हल्की चोटें आई थी, जिनका इलाज शाहपुर अस्पताल में चल रहा था, जिसमें से एक पुरुष को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और एक बच्ची को पीजीआई में भेजा गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।
प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और एसटी विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।